अस्सलाम वालेकुम केजीटू, मैं हूँ बुशरा अंजुआ उर्दू के एक नए सबक के साथ। और आज के सबक का उन्वान है नुकात वाले हरूफ, छोटी तोए वाले हरूफ और बगैर नुकात के हरूफ। नुकात से समझ आ रही है ना? नुकात का मतलब है नुक्ते। और आपको केजी वन में आपने सारे हरूफ तर्जी लिखे थे और आपको ये याद होगा कि कौन से हर्फ के कितने नुक्ते होते हैं और वो ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं। चलें आए मेरे साथ लिखें और याद करें जो हमने केजी वन में लिखा था। सबसे पहले बे, बे के नीचे एक नुक्ता होता है। उसके बाद क्या आता है बे के पास? पे। और पे के कितने नुक्ते होते हैं? तीन। पे प। पे के बाद क्या आता है? ते। ते के कितने नुक्ते होते हैं? दो। राइट। ते के बाद क्या आता है? टे। टे के ऊपर तो तोय होते हैं। और टे के बाद आता है से। से के कितने नुक्ते होते हैं? तीन। कहाँ होते हैं? ऊपर। से स। से के बाद जीम का खानदान शुरू होता है। और जीम का खानदान जो है उसमें सबसे पहले आता है जीम। जीम के कितने नुक्ते होते हैं? एक। कहां पर होते हैं? बेली में। जीम के बाद क्या आता है? छे। और छे के कितने नुक्ते होते हैं? तीन। छे के बाद हे। हे का कोई नुक्ता नहीं होता, वो हम यहां नहीं लिखेंगे। हे के बाद आता है खे। और खे का एक नुक्ता होता है जो उसके सर के ऊपर होता है। खे के बाद दाल। दाल का भी कोई नुक्ता नहीं होता, दाल जाल जाल का एक नुक्ता होता है जो उसके सर के ऊपर होता है। उसके बाद रे। रे का भी नुक्ता नहीं होता, रे अड़े जे। जे का एक नुक्ता होता है जो उसके ऊपर होता है। और जे के बाद ये या लाबारी। और ये के तीन नुक्ते होते हैं जो उसके ऊपर होते हैं। ये के बाद सीन। सीन का भी कोई नुक्ता नहीं होता। सीन के बाद छीन। और छीन के तीन नुक्ते होते हैं। छीन के बाद स्वाद। स्वाद का भी कोई नुक्ता नहीं होता। स्वाद का जो भाई होता है ज्वात, उसका एक नुक्ता होता है जो कि उसके ऊपर होता है। ज्वात के बाद तोए। तोए का भी कोई नुक्ता नहीं होता। और तोए का भाई होता है जोए। और जोए का एक नुक्ता होता है जो कि उसके सर के ऊपर होता है। जोए के बाद आयन। आयन का भी कोई नुक्ता नहीं होता। और आयन का भाई है गायन। और गायन का एक नुक्ता होता है जो कि उसके ऊपर होता है। गायन के बाद फे। फे का भी एक नुक्ता होता है। फे के बाद काफ। काफ के दो नुक्ते होते हैं। और काफ के बाद सिर्फ एक नून ऐसा हर्फ है जिसका एक नुक्ता होता है। और इस तरह से ये एक हमने पूरा किया हिस्सा जिसके अंदर हमने नुकात वाले हरूफ लिखे। और अब आप देख सकते हैं कि इन सब के नुकात हैं, किसी के ऊपर है किसी के नीचे है। अब हम वो हरूफ लिखेंगे जिनके ऊपर छोटी तोय होती है। आपको पता है ना, कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ तोय होती है, जैसा कि टे। डाल और अड़े। इन हरूफ के अलावा जितने भी हरूफ होते हैं उनके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। इनको हम बगैर नुकात वाले हरूफ कहते हैं, जैसा कि अलिफ, हे, दाल, रे, सीन, स्वाद, तोए, आयन, काफ, गाफ, लाम, मीम, वाओ, हे, छोटी ये और बड़ी ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि कौन से नुकात वाले हरूफ हैं, कौन से छोटी तोए वाले हरूफ हैं और कौन से बगैर नुकात के हरूफ हैं। अब आप अपनी नोटबुक्स में ये लिखेंगे और मुझे मेल करेंगे। शुक्रिया।